डर लग रहा है यहाँ पर, ये काम हो रहा है। और ये देखिए इसको बोलते हैं निकल ही नहीं रहा, निकला बाहर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? यकीनन आप ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो जनाब वेलकम कर रही हैं आपको अनदर व्लॉग में। ये है जुमे का दिन जो कि यस्टरडे था, आज आप व्लॉग देख रहे हैं जो कि सैटरडे है। हम जुमे की नमाज़ पढ़ के फ़ौरन से जनाब खाना खाने के लिए आए। खाना खाने को जो दिल जा रहा था ना, वो चाह रहा था निहारी और नान खाने को दिल जा रहा था। तो बस हम आए अपने ही एरिया में, हमारा बहुत ही ज़बरदस्त रेस्टोरेंट है यहाँ पर, हमने यहाँ पर निहारी ऑर्डर कर ली है और मुँह लटके हुए हम बैठे हुए, बहुत भूख लगी हुई है। भूख लगी हुई थी और जनाब वेट कर रहे थे कि ऑर्डर आ जाए और जल्दी से खाना स्टार्ट करें। जुम्मे की नमाज़ पढ़ के हम सीधा आ गए यहाँ पर और जनाब ऑर्डर किया बच्चों ने निहारी, और यहाँ पर देखें बड़ी यम यम निहारी आ गई। अच्छा जी, निहारी तो सिर्फ निहारी ऑर्डर की थी, निहारी दिल कर रहा था खाने को, लेकिन इब्राहिम कह रहा था मुझे बिरयानी भी खानी है, जो कि चावल के बिना कहते ना कोई खाना कम्प्लीट नहीं है, वो बात है। लेकिन निहारी ही खाई थी, बिरयानी को हाथ भी नहीं लगाया इन बच्चों ने। तो जनाब आगे बड़ा ज़बरदस्त व्लॉग आने वाला है, बहुत ही मज़ा आने वाला है, साथ रहना है व्लॉग में और जनाब कंप्लीट देखना है आपने, बिल्कुल एंजॉय करना है आपने, बड़ा ही मज़ेदार व्लॉग है। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ इसलिए मुझे पता है कि आगे का व्लॉग बहुत ज़बरदस्त है। अभी तक मुझे नहीं पता था कि आगे मैं क्या शूट करने वाली हूँ, लेकिन बड़ा ही ज़बरदस्त व्लॉग है, मज़ा आ गया। तो साथ रहें और व्लॉग को एंजॉय करें। तो जनाब घर आए और इतना बड़ा स्पाइडर डोर के पास ही था, और उसके बाद से जो फेस को मारने की ताकत होती है ना, ये देखे मम्मा जस्ट खेल। तो जरा फाइनली इसको हमने मार दिया। ये निकाल लिया हमने कंडेंस मिल्क। अच्छा जी, हमें कितना यूज़ करना है? हमें यूज़ करना है 1:1/2 मीन्स के ये वाला कप यूज़ करना है, ठीक है। चलो वहाँ पे बन रहे हैं कुकीज़ और हम यहाँ पर ये कुकीज़ बनाए जा रहे हैं, कैसे बनेंगे आपसे हम शेयर करेंगे। और यहाँ हम केक बना रहे हैं, अनाया की फरमाइश पे मुझे बनाना पड़ रहा है और मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थी कि मुझे कुछ करना है, बट मैं कर रही हूँ क्योंकि आज मैंने कहा था मैं, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, बट बच्ची कह रही केक बनाओ कुकीज़ बनाओ, उम्मे हानी को कुकीज़ पे लगा दिया और मुझे केक पे लगा दिया। देखो नॉर्मल हंडिया पकाना आसान है, ये बेकिंग के काम पे मुझे डाल दिया। चलो तो अगर अच्छा बना ना और बुरा बना दोनों आपसे शेयर करेंगे। दोनों अब क्या, अनाया है ये पकड़ो जरा, तुम्हें मजे आ रहे हैं ना सबको काम पे लगा के, कुकीज बना दो केक बना दो, मजे आ रहे हैं तुम्हें, मम्मा को इस पे लगा दिया कुकी, कच्चा कुकी खा रही हो तुम। रुको जरा, चलो तुम मिक्स करो, ये अनाया को मिक्स करना है। ये हम कंडेंस मिल्क और शुगर दोनों मिक्स कर रहे हैं, गरम थोड़े से गरम पानी में कोको पाउडर 2 टी टेबल स्पून हमने, अरे यार टेबल स्पून लिखा था तुमने, टीस्पून डलवा दिया ना आया। नो वे, हाँ oh, no. गलत हो जाएगा, बस अब नहीं खुजो, कोको पाउडर में तो लिखा हुआ 2 टेबल स्पून, तुमने बोला मम्मा 2 टीस्पून। नो अच्छा चलो मैंने बोला, ये देखो मैं नहीं, अब हमने 2 टीस्पून डाले तो कितने डालेंगे टेबल स्पून बन जाए। ये तो कौन आया ने तो गलत करा दिया, टेबल स्पून लिखा हुआ है, हम 2 टीस्पून डाल चुके हैं, कितने और डालेंगे टेबल स्पून बन जाए। अब कैलकुलेट करो जरा, अनाया की वजह से हुआ है, पहले ही गलत हो गया हमारा केक, तो आगे कैसे बनेगा। 4 और डाल दूं? या 4 मोर, पक्की बात है, देख लो आप, पहले ही काम खराब हो गया हमारा। Guys, it's okay. We made mistakes in life. Mistake life? ये केक्स का सारा घमा सागर बना के फेंकना? So you feed it to the homeless. अच्छा, homeless ढूंढने निकलेंगे केक लेके, आवाज लगाए homeless बाहर आ जाए। चलो मैं अभी इसमें डालती 4 डालो। हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, गंद मंद मचा के बैठे हुए हम। कितने डालेंगे हम? 2 टेबल स्पून। अच्छा जी, हो गया 3 दो डाल दिए ना, 3 4
बनाना है. ठीक है. फोर फाइव. इट्स जस्ट कोको पाउडर. व्हाट इज इट गोना डू? नहीं नहीं, फिर भी चॉकलेट ऐसी हो जाएगी दिमाग घूम जा सकते. सिक्स सिक्स पक्का हो गया. सिक्स अल्लाह मियां बचा ले हमें. आगे बेकिंग शेकिंग के सामान से ना मुझे जितनी घबराहट होती है ना उतना ही उल्टा नाया की वजह से हुआ है. नो डैड नो, डोंट ब्लेम मी. नो नो भाई आएगा बेटा. तुम बना प्रॉपर खाना खाने को दिल नहीं चाह रहा. उनको पता नहीं क्या क्या दिल चाह रहा है खाने को. तो यहाँ पे गार्लिक ब्रेड हो रही है, यहाँ पर केक हो रहा है, कुकीज़ जो हैं वो मैं दिखाती हूँ. यहाँ पे गार्लिक ब्रेड के पीसेज ऐसे हैं. ये गार्लिक ब्रेड बहुत ज़बरदस्त है, एलडी में मिल जाती है. और ये गार्लिक, इसके ऊपर सब कुछ सामान लगा हुआ है, गार्लिक बटर वटर सारा लगा हुआ है. नगट भी कह रहे थे अभी फ्राई कर दो, तो मैंने कहा नगट से पहले तुम लोगों को ज़रा मैं गार्लिक ब्रेड खिलाती हूँ. उसके ऊपर मैंने ये चीज़ जो है ये डाल दी है. ठीक हो गया. अभी मैं आपको दिखाती हूँ जो केक, सॉरी बटर जो है ना वो कुकीज़ का जो सामान है. कुकीज़ अंदर रेस्ट कर रहे हैं, इनको कटिंग करके उम्मी हनी बनाएगी. हाँ उम्मी हनी, तो सही है, हो गया. यहाँ पर मैंने ये गार्लिक के जो पीस हैं इनको लगा लिए स्ट्रे में. ये देख रही हूँ आप ऐसा. ठीक है, इसके ऊपर लगाती हूँ चीज़. अब इसको मैं लगाती हूँ ओवन में. ओवन को मैंने हल्का सा ना प्री हीट किया. ठीक है ना, इसके अंदर. चलो ऊपर वाली ग्रिल चलाइए 175 पे जस्ट, और इसको करते हैं. तो जनाब अभी गार्लिक जो ब्रेड है उसको मैंने ओवन में लगाया हुआ है. यहाँ पे केक हो रहा है, इधर हम वेट कर रहे हैं और अभी देखती हूँ उसका क्या रिजल्ट आता है. केक के रिजल्ट का मुझे बेचैनी से इंतज़ार है कि क्या आएगा. तो जो है ना वो गार्लिक को तो निकालना, बस वो बनी हुई है, चीज़ डाल के रखती है. बच्चों का दिल कर रहा है कुछ ऐसी चीज़ें खाने का, तो अभी देखती हूँ उसको क्या बना, उसका क्या बना. अभी देखें मुझे लग रहा है कि हो गई है. अरे अरे हो गई हो गई हो गई. आजा बाहर. आला आला आला, काफ़ी काफ़ी क्रिस्पी सी हो गई है. ये तो बड़ी क्रिस्पी हो गई है. ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त. ये देखो ज़बरदस्त गर्म है. बी केयरफुल. वो ओवन ये चीज़ी सीन मिल गया है हमें. अभी मैंने एक ट्रे और बना के लगा दी है और मैं ये टेस्ट करी, बहुत मज़े का बन गया. ये देखें जी नेक्स्ट बैच भी रेडी हो गया. और यहाँ पर नगट्स हैं, बच्चे कह रहे रैप भी बना दो. और उम्मी हनी अब यहाँ पे कुकीज़ है वो कटिंग करने वाली है. उम्मी हनी कुकीज़ के नीचे पूरा रैप, क्लीन रैप बिछा के ऊपर कर लो ना, फिर ये लटक जाएगा, देखना ये गिर जाएगा इतनी देर में. अब मैं नगट भी लगा रही हूँ इधर ही इस ट्रे में ही. थोड़े से एयर फ्रायर को नहीं यूज़ कर रहे, ओवन को ही गर्म है यूज़ कर रहे हैं. और ये इसमें लगा रहे हैं, ये लें और इसको लगा दें. ये गर्म है, यस लग रहा है बार बार. तो मैं आपको दिखाती हूँ कटिंग कर चुकी है. ये देखें ये बड़े ही प्यारे जो है ना ज़बरदस्त से बटर कुकीज़ बनेंगे. ओनली बटर कुकीज़, इसके ऊपर कोई कोको नहीं, कोई चोको नहीं, कोई जैली नहीं. सादे सिंपल मेरी तरह स्मेल कहती. स्मेल करो मम्मा इसको. ओए ऐसा लग रहा है, मज़ा आ गया. बहुत ही मज़े की लग रही स्मेल, ज़बरदस्त. तो अभी रेडी हो जाएं, बड़े खस्ता खस्ता बनते हैं, रेडी हो जाएं फिर उसके बाद से आपको दिखाएंगे. ठीक है. वो कहते हैं ना पर्दा नहीं उठाया मैंने, इसको नहीं कर सकती, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है. मेरी हिम्मत नहीं हो रही इस केक को देखने की. डर लग रहा है, डर लग रहा है. मैं देखूँ कि ना देखूँ, देखना तो पड़ेगा. तो अभी नहीं उठाऊंगी, 5 मिनट के बाद उठाऊंगी. अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैंने नगट भी जो है ना वो लगाए हैं अंदर उसके अंदर ओवन में. ये अच्छे से ज़रा हो जाए. ओवन आज चल रहा है तो फिर ओवन को ही चला के हम उसका से ना फ़ायदा ले रहे हैं. तो इसमें ओवन में नगट्स भी होते हैं. बच्चों को रैप बना के देती हूँ. बच्चों को रैप खाने हैं. बच्चों को पता नहीं क्या हो गया, बच्चों का दिल मनचला हो गया. मनचला दिल जो हो जाता ना, मेरा दिल करा था ये खाएं ये खाएं. अगर पता क्या फारिग दिमाग होता ना, शैतान का घर होता है. फारिग हुआ ना, स्कूल नहीं जा रहे, थके नहीं हुए, तो इस वजह से बस वो अब वहाँ बैठे बैठे डिमांड करते हैं ऐसा. यहाँ पे शेफ खड़े हुए, अभी आया हजूर वो वाला बना हुआ है काम. तो बस अभी उम्मी हनी कर ले, मेरी ट्रे वहाँ से फ्री होती है, उम्मी हनी फिर उसमें लगा लेना. ठीक है ना. यहाँ पर आप देखें कितने ज़बरदस्त नगट बन गए.
नगेट, ये देखिए इसका क्लोजअप करके दिखाऊँ कितने अच्छे से बन गया ओवन में विदाउट ऑयल। यहाँ पर सब ये रैप जो रेडी हैं, बस इन पे लगानी है सॉस और बच्चों को खिला देना है। ये उठा रख देना, काट के भी लगा दें, काट देना, मैंने कट करने तो कट भी कर लेंगे। हाँ चलो बहरहाल अभी डिवाइड करती हूँ, फिर कट करती हूँ और रैप बनाते हैं। यहाँ बिस्किट बन रहे हैं और वो ये देखिए जी नगेट, नगेट के साथ मायोनीज़, स्वीट चिली, केचप, ये सब इसी तरह से मैंने रेडी कर लिए हैं। और ये देखें यहाँ पर ये काम हो रहा है। और ये देखें इसको बोलते हैं समझ में ना आने वाला खाना, आप कंटिन्यू खाते जा रहे हैं। ओ भाई अनाया का तुम लोग ड्रैगन तो नहीं बन गए सारे? ये देखें बेहानी ना अनाया के लिए सिर्फ ये लगा रही है ऊपर, उसको अच्छा लगेगा, बाकी हम प्लेन बनाएंगे। कितनी अच्छी शाइनिंग आई हुई इसके ऊपर, जबरदस्त। ये देखें ये ना नीचे, हाँ इधर ही लगा दो। चलें देखते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इंशाल्लाह अच्छे बन जाएंगे इंशाल्लाह। 190 पे गया है 9 मिनट और नीचे वाली ग्रिल है, ठीक है। ओह माय गॉड, पता नहीं ऊपर का मटेरियल मेरा केक का साथ, पता क्या हुआ, केक सब तरफ से पक गया है लेकिन जो ऊपर पानी बन रहा था ना, इस लिड की वजह से जो पानी बन रहा था बार बार अंदर स्टीम गिर रही थी, स्टीम इसके ऊपर गिरते जा रही थी, स्टीम गिर गिर के उसने जो बारिश की है केक के ऊपर, गुस्सा आ गया मुझे, बुरा लग रहा है। पर अब केक का टेस्ट देखेंगे, बहरहाल ना केक का टेस्ट देखेंगे क्या बना। एक बड़ी मजे की बात बताती हूँ, केक इतना बुरा हमारे शक्ल से बना इतना बुरा बना, लेकिन वो जो ब्लॉगर होते ना, यूट्यूबर होते जो बड़े बदतमीज होते देखो वो केक बेचारा शर्मा आ गया है कि प्लीज मुझे यूट्यूब पे मत डालो, मेरी इज्जत का सवाल है। अब मुझे तो कंटेंट चाहिए, मैं क्या करूं, मैं कहां से लाऊं। मैंने उस बुरे केक को ना एक बुरी सी तस्वीर उतार के मेरे रब्बा, हम जो ब्लॉगर है ना सच में इतने के वो कंजूस होते हैं। अनाया तुम्हारे केक के साथ बड़ा ही बुरा हाल हो गया, सो ना सॉरी। केक को मैंने ऐसा लिड लगाया कि ऊपर पानी बंद बन के गिरता रहा ऊपर, अंदर से देखते कैसा टेस्ट कैसा है पता चल जाएगा, नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं करेंगे। लेकिन मुझे हंसी इस बात पे आई, एक बुरे से केक को भी मैं कह रही ये कंटेंट बन गया, इसको मैं जाया नहीं दूंगी, इसको मैं शूट करूंगी, इसको मैं दिखाऊंगी। बहुत मजा लगा, बहुत मजा आया, बेचारा केक को शर्म आ गई कि मत दिखाओ मुझे यूट्यूब पे, मत डालो मुझे, मत डालो, तभी वो होमलेस जैसा बन गया ना, तुम्हारी वक्त ही कबूलियत का था। जब दिल ना चाहे काम करने को और आप काम करें ना, तो फिर ऐसी हरकतें होती हैं, अच्छी चीजें भी बुरी बन जाती है। इसे कहते हैं दिल से काम करे, जो भी करे बिल्कुल दिल से करे, कभी ऐसा ना करें कि दिल नहीं करा और काम करने को और आप काम कर रहे हैं, वेरी बैड। देखती कुकीज कैसे बने, कैसे रेडी हुए हैं, बड़ी हीट निकल रही है और यहाँ गर्मी लग रही है हमें, ओवन फ्रिज में चल रहा, नीचे लिविंग एरिया सारा गर्म है। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, आई थिंक थोड़ा सा और कुक होएगा मेहनी, हाँ थोड़ा सा और कुक होगा। क्या कर रही हूँ मैं, मैंने कहा चले अभी मैं उठ ही गई हूँ, जब मैं काम इतने हो रहे हैं तो मैंने कहा चलो चिकन पका लेती हूँ, तो जबकि आज मैं सोच रही थी कि ये नहीं करूँ, खाने का काम नहीं है, लेकिन मैंने कहा बिस्किट लगा रही है और मैं थोड़ा सा टेम्परेचर सेट कर दूँ और इसको यहाँ पर कर दें, और यहाँ ऊपर चिकन पक रहा है, और ये देखें टमाटर जो ग्राइंड करके इसमें इस वाली में मैंने रख लिए मोटे मोटे चॉप, जिंजर गार्लिक पेस्ट, चिकन, दही अभी मैं डाल दूँगी इसमें, सो चिकन भी रेडी कर रही हूँ साथ साथ, ये चीज़ें भी, केक को भी हो रहा है ठंडा, उसको मैं देखती हूँ क्या है फाइनल। और बस आज तबीयत ठीक नहीं थी और आज ही इतना काम किया, देखे ज़रा ये भी कैसी बात है ना, और मैं कहा ये भी पका लेती हूँ, इतना लेट कभी कुकिंग नहीं की मैंने, लेकिन अब बस हो रहा है सब काम तो मैं कहती हूँ करते हैं। तो जनाब ये देखें मैंने अभी क्या किया है, चिकन को ना मैंने प्याज फ्राई किया था, प्याज फ्राई करके उसमें मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट डाली और नमक के साथ मैंने इसको फ्राई किया है, नमक लहसुन अदरक की पेस्ट जो मैंने डाल दी और उसमें मैंने चिकन अच्छे से फ्राई कर लिया, उसको मैंने टमाटर डाले और ग्रीन इलायची डाली, बड़ी इलायची डाली, लौंग डाली, ये पत्ता डाला, हल्दी, कोरिएंडर पाउडर, ज़ीरा पाउडर, नमक तो पहले डाल चुकी थी,
और रेड चिली पाउडर ये डाल के इसके बाद दही यहाँ पड़ी है, दही डालूंगी, टमाटर डाल चुकी हूँ, मैं इसको अच्छी तरह फ्राई करूँगी जिंजर गार्लिक की पेस्ट में और प्याज में। जब आपका चिकन अच्छे से हो जाए ना फ्राई, उसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है। और इसके बाद बाकी लवाज़मा डालें आप और इसके बाद इसको कर लें फ्राई। ये देखें कितनी अच्छा गोल्डन गोल्डन सा ना इसका कलर आ गया, क्योंकि मैंने इसको प्याज और जिंजर गार्लिक के साथ फ्राई कर लिया। पहले प्याज फ्राई किया फिर जिंजर गार्लिक के साथ अच्छे से, तो बड़ी प्यारी खूबसूरत सी ना ये इसकी ना वो लुक आ जाती है, जैसे बोलते हैं ना कढ़ाई की जैसे वो बन जाता है। ये देखें कितना खूबसूरत कलर आ गया है, जैसे मैंने दही डाल दिया बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया। देखिए अब इसको मैं हल्की आँच पे ना रख देते हैं और केक की तरफ चलते हैं। केक को देखें क्या हो गया है केक का रिजल्ट फाइंड करते हैं। तो ये देखें आप कितने ज़बरदस्त से, ये थोड़ा से दिखाती हूँ आपको पीछे से इसका हिसाब किताब। ये देखें जबरदस्त, ये देखें, ये देखें इसके कलर जबरदस्त, ये देखें बहुत ही जबरदस्त बनी है, बहुत मजे के, बहुत ही यम है। चलो भी ट्राई करो सब खाओ। तो हम दिखाते हैं आपको ब्यूटीफुल सा केक जिसका आप सबको बेचैनी से है इंतजार, उससे ज्यादा हमें इंतजार कि हमने क्या कारनामा दिखाया। 1 2 3 या अल्लाह इज्जत रख ले, जायका अच्छा आ जाए ना। पैन की मिस्टेक थी एक्चुअली, निकल ही नहीं रहा वो, निकला बाहर नहीं निकल रहा, नहीं निकल रहा, ओह माय गॉड नहीं निकल ही रहा। रिकॉर्ड कर रहे हैं आप, रिकॉर्ड करें ये मोमेंट्स जो हमने इतना बुरा भंडार बनाया। तुम जो भी कर लोगे तो कोई असर नहीं करेगा। ओके सच में नहीं निकला, कितना जबरदस्त केक बना, देखे पैन छोड़ ही नहीं रहा। वाओ यार दुविधा में ये भंडार में ये फ्लड में है, फंस गया बेचारा, यकीन करो इतना नहीं कट रहा, नहीं कट रहा। मैं इसके साथ अंदर ही हैप्पी टूटू कर रही हूँ, अंदर ही कर रही हूँ, अंदर ही कर रही हूँ, सच में नहीं कट रहा। मैं सिर्फ देखना चाहती हूँ इसका टेस्ट कैसा है, टेस्ट में कैसा है ये, खुदा रहा हमें बता दे टेस्ट हुआ पहले। देखे एक बार केक तो अच्छा लग रहा है वैसे, टेस्ट तो बहुत अच्छा है। रियली मैं अंदर से छूट ही नहीं रहा, क्या करूं मैं आपको, मैं दिखाऊं ना तो ये देखें नीचे से, ओह माय गॉड ये देखें नीचे से केक वाकई में बहुत जबरदस्त है, लेकिन टेस्ट भी जबरदस्त है। लेकिन ना ये ज़्यादा कुक इसलिए हो गया, मैं ऊपर देखती रही नीचे ज़्यादा देर पकता रहा। खा के देखो सब, यकीन करो केक का मज़े का है। पहले ही मेरा दिल कह रहा था ये केक का ना थोड़ा वो नहीं पकेगा, लाइक इट इज गुड, आई गेस तो बहुत गुड है, अब कैसे यकीन दिलाऊंगी टेस्ट में। इसी बात से व्लॉग को करती हूँ मैं यहाँ पर एंड। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, हंसते मुस्कुराते रहें, पॉजिटिव रहें, जिंदगी में कुछ भी हो जाए जैसे कि ये हमारे साथ आज हो गया। अच्छे वाले केक बनाते हैं लेकिन आज केक बहुत ज्यादा खराब बना, लेकिन कोई बात नहीं, टेस्ट में बहुत जबरदस्त है, टेस्ट इतना जबरदस्त है मैं क्या बताऊं। लेकिन नीचे चिपक गया ये पैन जो मैंने चूज किया, ये बहुत ही बुरा था मेरा डिसीजन जो मैंने पैन चूज किया, डिसीजन मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मुझे माफ कर दो बच्चों, मुझे माफ कर दो। ये आप लोगों को कभी भी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, कभी भी ये नहीं होगा ये हो गया हिम्मत हार के ये वो, कुछ भी ऐसा नहीं है, जिंदगी में कंटिन्यू चलते रहे और इम्प्रूवमेंट आती रहती है। फिर मिलूंगी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, टाटा बाय बाय।